अक्सर देखा गया है, जब भी रूट कैनाल की बारी आती है या उसका नाम भी आता है तो लोग घबरा जाते हैं। हाय, कितना ज्यादा दर्द होता है, मत करवाना, बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारा डर है। तो आज मैं आपको ऐसे कुछ लक्षण बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स आज मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप खुद इवेल्युएट कर पाएंगे कि आपको रूट कैनाल की आवश्यकता है या नहीं। ठीक है, हाँ, लेकिन उससे पहले जरा हम ये वीडियोस देख लेते हैं और थोड़ा जान लेते हैं कि लोगों के मन में रूट कैनाल के प्रति आज भी कितना डर है या वो लोग कितना जानते हैं रूट कैनाल के बारे में। मैडम, आपको पता है क्या रूट कैनाल क्या होता है? ये रूट कैनाल के फालतू की बात मत करना, मेरा पूरा मुंह सूज गया था, अब तक दर्द होता है, बस तो उसको बुरे सपने की तरह याद करती हूँ, बिल्कुल याद करना नहीं चाहती। दांत निकाल देना, पर इसका नाम मत लेना रूट कैनाल का। मैम, आपके हिसाब से कब होना चाहिए दांत में रूट कैनाल? मुझे नहीं पता, मेरी तो बहन ने करवाया था तो मेरे हल्का सा दर्द हुआ, तो उसने कहा तू भी करा ले, तो मैं भी गई वहां पे, कुछ तो किया उन्होंने, कैप चढ़ा दी, अभी तो सही, सब सही चल रहा है, अभी तो कुछ नहीं, बढ़िया चल रहा है, बाकी मुझे नहीं पता कब करानी है, अब तो मैं बादाम अखरोट सब खाती हूँ। अच्छा, अगर आपको कहते दांत निकाल दो तो आप वो भी निकाल देते? हाँ, बोलते तो निकलवा देती। मैंने ना कुछ रैंडम लोगों से भी बातचीत की, जैसे हमारी जो केयर टेकर है उनसे, उनके बच्चे, जो एक शॉप वेंडर है मतलब वेजिटेबल सेलर उससे, तो चलिए जरा इनसे भी जान लेते हैं और देखते हैं कि रूट कैनाल के प्रति जागरूकता कितनी है या रूट कैनाल के प्रति आज भी कितना डर है लोगों में। हाँ भैया, ये दांतों के नसों के इलाज के बारे में कुछ पता है क्या? ना भैया, कुछ नहीं पता, हम नहीं गए डॉक्टर के पास कभी। कभी नहीं गए? ना। अच्छा, चलो धन्यवाद, ठीक है। मैडम, आपको कुछ पता है क्या रूट कैनाल के बारे में? नहीं सर, मैं तो कभी गई नहीं, मैंने कभी कराया नहीं। तो दांतों की नसों के इलाज के बारे में कुछ आईडिया? कुछ पता नहीं। अच्छा, चलिए धन्यवाद। हाँ मैडम, एक मिनट, क्या आपको पता है रूट कैनाल के बारे में कुछ बता सकते हैं आप, कब करवाना चाहिए रूट कैनाल? नहीं सर, मुझे तो नहीं पता। जब कभी करवाया है रूट कैनाल? नहीं नहीं। अच्छा ठीक है, ओके। बेटा, आपको रूट कैनाल के बारे में पता है कब करवाना चाहिए? नहीं, मुझे तो नहीं पता, नहीं मैंने कभी कराया ये, मुझे तो नाम सुन के डर लग रहा है। अच्छा, पता नहीं कैसा होगा। अच्छा चलो ठीक है बेटा। सबसे पहला लक्षण, हम अक्सर देखते हैं कि लोगों के दांत में दर्द होता है जब भी वो कुछ चबाते हैं, खाना खाते हैं, या फिर ये समझ लीजिए ऊपर वाला दांत नीचे वाले दांत से टकराता है तो एक बहुत भयानक सा दर्द होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको रूट कैनाल करवाना आवश्यक है। अब ऐसा समझिए कि एक दांत का जो घर है इसे हम कहते हैं पल्प चैम्बर। इस पल्प चैम्बर में ब्लड वेसल्स और नर्व एंडिंग्स होती हैं। तो जब भी ऐसी कोई बात आती है कि जब हम कुछ चबा रहे हैं या कुछ खा रहे हैं या ऊपर वाला दांत नीचे वाले दांत से टकराता है, तो ये जो नसें हैं ये एक दब जाती हैं, ये नसें दब जाती हैं और एक प्रेशर सा महसूस करती है। इस प्रेशर की वजह से दर्द उत्पन्न होता है, यानी दांत में दर्द शुरू होता है। तो बस फिर क्या करना है, ऐसी कंडीशन में या ऐसी सिचुएशन में आपने रूट कैनाल अवश्य करवाना है। दूसरे लक्षण की अगर मैं बात करूं तो मुंह में पिंपल बन जाना या छाला बन जाना। देखिए, मुंह में छोटे छोटे छाले हो जाते हैं जिसे हम हिंदी में कहते हैं, आमतौर पर कह देते हैं मुंह आ जाना, वो एक अलग चीज है। लेकिन किसी पर्टिकुलर दांत के आसपास फुंसी हो गई या छाला हो गया तो इसका मतलब यह है कि आपको डेफिनेटली रूट कैनाल करवाना है। अब ये छाला बनता क्यों है? जिस दांत के आसपास ये फुंसी हुई है या छाला बना है उस दांत के जड़ में इन्फेक्शन है और वहां का जो पस है वो मसूड़ों तक ऊपर आता है, बैक्टीरियल ग्रोथ वहां पर होती है और इस कारण वहां पे छाला या फुंसी बन जाती है। तो इस टाइप की सिचुएशन में भी आपको डेफिनेटली रूट कैनाल करवाना चाहिए और अपने दांतों को बचाना चाहिए। तीसरा लक्षण है मसूड़ों की सूजन। यदि मसूड़ों में सूजन है तो इसका मतलब क्या है कि आपके जो दांत हैं उनकी जो जड़ें हैं उनमें इन्फेक्शन है। वैसे मसूड़ों में सूजन आने के और भी अन्य कारण हो सकते हैं, जैसे हम किसी एंटीबायोटिक थेरेपी पर हैं, बहुत लंबे समय से कोई दवाई खा रहे हैं, कोई एलर्जी हो गई है, तला भुना खा रहे हैं, बहुत गर्म गर्म खा रहे हैं, या फिर हम बहुत तेज तेज ब्रश कर रहे हैं जिस वजह से मसूड़ों से खून भी आता है। अब मसूड़ों में सूजन क्यों आती है? मेनली इसलिए आती है कि ब्लड फ्लो जो है आपका पल्प चैम्बर और मसूड़ों के बीच ठीक नहीं है, और ये ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पर इन्फेक्शन है और इस इन्फेक्शन के कारण जो वहां पर नसें हैं वो ब्लॉक हो गई हैं। तो यदि आपके मसूड़ों में सूजन है तो डेफिनेटली अपने डेंटिस्ट के पास जाकर उससे सलाह लीजिए और यदि वो कहते हैं कि रूट कैनाल करवाना है तो अवश्य करवाइए, अपने मसूड़ों को भी बचाइए और दांतों को भी स्वस्थ रखिए।
चौथे लक्षण की मैं बात करूं तो मसूड़ों का बदला हुआ रंग। एक मसूड़ों का नॉर्मल रंग हम सभी जानते हैं थोड़ा लाइट पिंकिश से डार्क पिंकिश या फिर थोड़ा थोड़ा ब्लैकिश या ब्राउनिश हो सकता है। लेकिन यदि आपको चेंज लगता है अपने मसूड़ों के रंग में तो इसका मतलब डेफिनेटली आपको रूट कैनाल करवानी चाहिए, क्योंकि जहां पे मसूड़ों का रंग बदला हुआ है इसका मतलब यह है कि उस जगह के दांत की जड़ में इन्फेक्शन है या फिर वहां पर ब्लड फ्लो ठीक नहीं है जिस कारण मसूड़ों का रंग बदल गया है। तो ऐसे टाइम पर भी आप डेफिनेटली रूट कैनाल करवाइए और अपने मसूड़ों की हेल्थ का ध्यान रखिए। दांतों का बदला हुआ रंग, हम अक्सर ये सोचकर शांत रहते हैं कि अरे ठीक है ब्रश कर लेंगे ठीक हो जाएगा, या हम इसमें कॉस्मेटिक चेंज ले आएंगे, इसमें हम वाइटनिंग टूथपेस्ट यूज कर लेंगे या घर के नुस्खे अप्लाई कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई बार होता है कि हम बचपन में गिरे होते हैं, चोट लग जाती है और हम ध्यान नहीं देते, या बड़े होकर भी हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, मुंह के बल गिर जाते हैं या कोई भी किसी भी प्रकार की चोट लग जाती है, तो ऐसे दांतों में रूट कनाल करवाना अवश्य होता है। यदि आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपके दांतों का कलर बदल रहा है तो डेफिनेटली बात है कि आपको रूट कैनाल जरूर करवाना चाहिए। अगर आप नहीं करवाते हैं तो कुछ समय बाद अंदर ही अंदर वो दांत सड़ता रहेगा और ये मुमकिन है कि आसपास की जड़ों को भी वो खराब कर दे या आसपास के मसूड़ों में भी इन्फेक्शन फैल जाए। छठे नंबर पे आता है टूटे हुए दांत या बीच में से क्रैक हुए गए दांत। मजाक मजाक में आपस में चोट लग गई, गिर गए, तो कई बार क्या होता है दांत बीच में से क्रैक हो जाता है या कई बार पूरा का पूरा बाहर आ जाता है। तो ऐसे समय पर भी आप इमीडिएटली अपने डेंटिस्ट को कॉन्टैक्ट करें, रूट कैनाल करवाइए और चीजों को सही करवाइए। सातवें नंबर पे आता है जबड़ों में दर्द। कितनी बार होता है ना कि हम कहते हैं कि हमने कुछ खाया तो जबड़ों में दर्द होना शुरू हो गया, ऊपर नीचे दोनों ही जबड़ों में दर्द हो रहा है, समझ में नहीं आता कि दर्द कहां से स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, बस लगातार कभी यहां हो रहा है कभी यहां हो रहा है। तो इन सभी सिचुएशंस में भी आपने रूट कैनाल करवानी है। होता क्या है कि ये मसूड़े जो हैं या ये जो दांत हैं इनका जो ब्लड फ्लो है या इनकी जो नसें हैं सब ये आपस में कनेक्टेड हैं। तो कई बार ये होता है कि आपका दांत ऑलरेडी एक दांत कोई सड़ा हुआ था, ऊपर का भी हो सकता है नीचे का भी हो सकता है, और आपने कुछ खाया तो जैसी खाया तो अंदर जो इन्फेक्शन था जड़ों में वो हिला, जिसे कहते हैं डिसरप्शन, और उस वजह से वो धीरे धीरे वहां पे दर्द स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसी सभी कंडीशंस में भी आपने अपने डेंटिस्ट के पास जाकर रूट कैनाल करवानी है। नंबर आठवें पे आता है दांतों में ठंडा गरम लगना। सिंपल सी बात है, दांतों में ठंडा गरम लग रहा है इसका मतलब यह है कि जो पल्प चैम्बर है उसमें जो नसें हैं वो इन्फेक्टेड है और इस वजह से आपको ठंडा या गरम लगता है। कई बार आपने ये भी नोट किया होगा कि कुछ लोगों के साथ ये होता है कि भैया हमने चाय पी गरम गरम तो दांत में दर्द एकदम से हुआ और उसके बाद ठीक ही नहीं हुआ, हमने ठंडा पानी पिया दांत में एकदम से दर्द हुआ, झंझनाहट हुई पर वो ठीक हो गया। इसका मतलब भी यही है कि आपको रूट कैनाल करवाना है और अपने दांत को बचाना है। होता यह है कि जो पल्प चैम्बर में जो नसें हैं वो कई बार ओवर रिएक्ट करती हैं। किस रिस्पॉन्स के लिए ओवर रिएक्ट करती हैं? जब हम कुछ गर्म खाते हैं, और यही कारण होता है कि कई बार ये होता है कि गर्म पीने से दांत में दर्द शुरू हो गया और ठीक ही नहीं हुआ, और हम अक्सर कहते हैं कि मैंने गर्म चाय गर्म कॉफी पी थी बस तब से मेरे दांत में दर्द बना हुआ है, तो मैंने गर्म चाय और कॉफी पीना ही छोड़ दिया। तब भी आपने रूट कैनाल करवाना है। गर्दन पे, गले में, कान के आसपास, आंख के नीचे कहीं भी सूजन है तो डेफिनेट सी बात है कि आपको रूट कैनाल करवानी चाहिए। यस, चौंकिए बिल्कुल नहीं, हमारे दांतों के नीचे एब्सेस फॉर्म हो जाती है यानी इन्फेक्शन हो जाता है दांतों की जड़ों में, और उस कारण से भी आपके गले में यहां पे लिम्फ नोड्स कहलाते हैं, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ये हमारे शरीर का, तो यहां पर भी सूजन आ जाती है, कान में भी सूजन आ सकती है। तो डेफिनेट सी बात है आप अपने ईएनटी और फिजिशियन के पास तो जाते ही हैं, साथ में अपने डेंटिस्ट के पास भी जरूर जाएं और कंफर्म करवाएं। यदि रूट कैनाल करवाना है तो वो करवाइए और अपनी सूजन, हर प्रकार की सूजन से मुक्ति पाइए। नंबर 10 पर ऐसा लक्षण आता है जो आजकल बहुत कॉमन हो चुका है। क्या है वो लक्षण? हमने दांत के ऊपर कवर लगाया हुआ है, रूट कैनाल करवा चुके हैं, 3-4 साल हो चुके हैं, लेकिन करवाने के बाद लगातार उसमें ठंडा गरम आज भी लगता है, कोई दर्द जैसा महसूस नहीं होता लेकिन हल्का हल्की झंझनाहट बनी रहती है जब हम चाय पीते हैं या फिर हम कुछ ठंडा खाते हैं या पीते हैं। तो इन सब सिचुएशंस में भी आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाना है। डेंटिस्ट, आपका डेंटिस्ट एक एक्सरे लेकर आपको यह बताएगा
कि क्या वो कवर सही है, हो सकता है कवर ठीक ना बैठा हो और साइड साइड से जो भी आप पीते हैं खाते हैं वो रिस रिस कर नीचे जा रहा था और वहां पे जड़ों को खराब कर रहा था। तो हो सकता है उसमें री रूट कैनाल करनी पड़े तो दांत बच जाए, या ये भी हो सकता है कि नया कवर बने। तो प्लीज प्लीज ऐसी सिचुएशंस में भी आप अपने डेंटिस्ट के पास जाकर री रूट कैनाल, रूट कैनाल या फिर कवर को चेंज जरूर करवाइए। एक आखिरी लक्षण है जो दिखाता है कि हम आलसी हैं, तो आलसीपन छोड़िए और नीचे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, एक हमारा बॉन्ड अच्छा बना रहेगा। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। डेफिनेट सी बात है, कोई भी मन में भ्रांति मत पालिए, रूट कैनाल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है और हर डेंटिस्ट चाहता है कि वो आपके दांतों को बचाए। देखिए नेचुरल दांत नेचुरल है, दांत को निकालना और उसको रिप्लेस करना किसी भी टाइप की प्रोस्थेसिस से, चाहे वो क्राउन हो, ब्रिज हो या जो इम्प्लांट्स हम देते हैं, वो एक सेकेंडरी चीज है। नेचुरल दांत नेचुरल होता है, बचाने की कोशिश कीजिए, थोड़ा एफर्ट आप डालिए, थोड़ा एफर्ट आपके डेंटिस्ट डालेंगे, मिलजुल कर चलेंगे तो नेचुरल दांत जरूर बच जाएगा। आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो, वीडियो अच्छा लगा तो आपको पता ही है करना क्या है, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी, दांतों को बचा कर रखिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।